अतुलित बल धाम महेम शैलाभ देहम तनुजुमन कृशानम ज्ञानी नानकर गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाज जातम नमामि। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं, दुनिया में ऐसी कोई भक्ति नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं, दुनिया में ऐसी कोई मुक्ति नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं, दुनिया में ऐसी कोई रास्ता नहीं जो हनुमान जी के पास नहीं। और आज तो गोहाना के बच्चे बच्चे के मुंह पर बालाजी महाराज विराजते हैं, हनुमान जी के जैसा दुनिया में कोई नहीं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। मुझे भरोसा है जो लाइने में गाने जा रहा हूँ आधी मैं गाऊंगा आधी आपको आती होगी, जिस प्रेम से आप बैठे हैं। लाल लंगोटो हाथ पे घोटो, 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 लाल लंगोटो हाथ पे घोटो। एक हाथ उठे जरा मुट्ठी बंद कर कर, एक हाथ उठे और एक ही बात कहना, थारी 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 थारी
सिर्फ ऐसा नहीं है कि भूतों की बात बनती है वहां, ऐसा नहीं है। जिस पर बालाजी महाराज, ये स्वरूप क्या है, कभी समझा आपने कौन है ये? भगवान इंद्र के वज्र से जब बाल हनुमान सूर्य को निगलने के लिए उड़े थे और इंद्र के वज्र से वो बच्चा एक पत्थर पर जाकर गिरा, और जिस पत्थर पर वो जाकर गिरा उस पत्थर पर उसके शरीर का अक्ष छप गया, वही पत्थर की मूर्ति आज मेहंदीपुर बालाजी महाराज कहलाती है, कुछ और नहीं है। और आज तक कोई अनुमान नहीं लगा पाया कि ये दरबार कितना पुराना है। एक राजा जिसने कहा इस मूर्ति की खुदाई करो और इसको बाहर निकालो, मजदूर खुदाई करते करते थक गए, लेकिन मूर्ति की गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया कि मूर्ति कितनी गहरी है। हम जैसे जैसे कीर्तन की ओर चलेंगे आपको मेहंदीपुर बालाजी के चमत्कार सुनाऊंगा, ये चमत्कार कैसे करता है। लेकिन उससे पहले थाला सरे तेरा धाम बना है, थाला सरे तेरा धाम बना है, मेहंदीपुर तेरा धाम बना है, मेहंदीपुर तेरा धाम बना है, आते भगत अपार। जय हो तुम नहीं करोगे, अभी ये जय हो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? आते भगत अपार, आते भगत अपार, पवन कुमार मैं बारी जाऊं बालाजी, जय हो पवन कुमार मैं बारी जाऊं बालाजी। हनुमान जी भगवान राम का काम किया, किया कि नहीं किया हनुमान जी? अरे नहीं प्रभु, क्या लेकर आए ये बताओ, कहां से आए आप? पानीपत से, पानीपत से, पानीपत से। रोता नहीं है तो क्यों मन भर गया? मुझे देखते हो तो रोना आ जाता है। अरे नहीं महाराज ऐसा मत, देखिए देखो एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी बंदे के पांव नहीं छूने, पांव छूने तो बजरंग बली के छूने, और कोई नहीं है ऐसा दुनिया में, ध्यान रखना। अभी कहना चाहते हो? मुझे इजाजत है नहीं, सब भक्तों को मेरा जय श्री श्याम। मैं पानीपत से हूं, मेरा नाम आशु है। मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैं यूट्यूब पे कल्याण मित्तल जी को सुनता था बस। 18 दिसंबर 2018 मेरे को खूब याद है, मैं फर्स्ट टाइम काटू श्याम जी गया था, सिर्फ कल्याण मित्तल जी से प्रेरित होकर बस। और जब से आज तक मेरी जिंदगी बदल गई, मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं जितना भी कहूं मेरे लिए बहुत कम है, मैं बस कुछ कह नहीं सकता। ये मेरी पत्नी है जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान था, इसको बच्चे नहीं होते। मैं खाटू श्याम जी गया था फर्स्ट टाइम, मेरी बाबा ने दिली सुनी दिली सुनी दिली सुनी, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। खुश रहो, ये सुनो सुनो अभी देखो, गम की कोई घटा तुम्हें हरा नहीं सकती, कोई ताकत दुनिया की तुम्हें डरा नहीं सकती। जब हो जाए कृपा खाटू वाले की, कोई ताकत दुनिया में तुम्हें हरा नहीं सकती। ये आपका नाम क्या है? आशु जी। देखिए आज दुनिया कहती है खाटू जी क्यों जा रहे हैं, ये करिश्मा है, ये भाव है सिर्फ।
खाटू श्याम जी जाओ एक बार जाके तो देखो, जो नहीं मिला वो मिल जाएगा। मैं बाइक चला के आया हूँ पानीपत से, हकीकत कहता हूँ 90-100 की स्पीड पे आया हूँ, कोई बाल बाका नहीं हुआ मेरा। मेरी वाइफ 6 महीने की प्रेग्नेंट है, मेरे को कोई डर नहीं था, मेरा खाटू वाला बैठा संभालने के लिए। आई, आई। मेरा बाबा खाटू वाला, भगत अपार, आते भगत अपार, एक बार मैं नजर उतारूंगा, एक बार आप उतारोगे कि नहीं उतारोगे। मैं बारी जाऊं बालाजी, आवाज इधर कम आ रही है, एक बार मूंछ का सवाल है, आवाज आई जरा, एक बार मैं मारी जाऊं बालाजी। हाँ जी, चकला बेलन दांव पे लगा, आवाज आए, मैं मारी जाऊं बालाजी, बलहारी जाऊं बालाजी, बलहारी जाऊं, एक बार ऐसे कर दो जरा, हरी जय हो अंजनी राला। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, तो पहले पंजाबी में समझाता हूँ। हमारे पंजाब में कहते हैं, जिनके हाथ थल्ले उनके कुछ नहीं पड़ता पल्ले, और जिनके हाथ ऊपर उनकी बल्ले बल्ले। तो एक बार बता दो कौन कौन बल्ले बल्ले करवाने आए हैं, ये जरा मिलके वाले भी बैठे हैं, भाई साहब आए हैं, इनके यहां कीर्तन था तब ये दो लाइनें लिखी थी मैंने, मैं चाहता हूं आप भी गाएं। मार के घोटा वाला जी मेरे दुखड़े मिटा जाओ, मार के घोटा वाला जी मेरे दुखड़े मिटा जाओ। हनुमान जी के पास दो चीजें हैं, घोटा और सोटा। घोटा किसने दिया? कुबेर भगवान ने, कि जिस पर प्रेम से रखेगा उसके घर से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं, और जिस पर जोर से रख देगा उसके घर में लक्ष्मी कभी। और सोटा, सोटा पाकिस्तान के लिए, उनको पता लग गया था, अभिनंदन को जल्दी भेज दो, अगर हनुमान जी आ गए तो लंका फूंक के चले जाएंगे, इसलिए सोटा। तो जिसको घोटा चाहिए जरा दोनों हाथ खोलकर, मार के घोटा बाला जी मेरे दुखड़े मिटा जा, मार के घोटा बाला जी मेरे दुखड़े मिटा जा, मार के घोटा बाला जी मेरे दुखड़े मिटा जा, मार के घोटा बाला जी मेरे दुखड़े मिटा जा। हाँ नामी
तीन चीजें चढ़ती है बालाजी को, क्या क्या? ध्वजा, ध्वजा मतलब झंडा, झंडा किस किस की घर की छत पे है, झंडा लगाया करो, दरबार में से ले जाना या किसी मंदिर से ले आना गोहाना के, ये मत सोचना खाटू जी से लाएंगे तभी करंट है, नहीं साहब, श्रद्धा से लाओगे तो गोहाना के छोटे से मंदिर से भी झंडा लाया हुआ पूरा करंट रहेगा आपको साहब, कमी नहीं है उसमें। फायदा क्या है झंडा लगाने का? पहला फायदा, घर से संकट दूर भाग जाएगा। दूसरा फायदा, झंडा उसके लगता है जिसकी विजय रहती है। और तीसरा फायदा, आज दुनिया राम मंदिर बनाने की बात करती है, सरकारें ना जाने कब बनाएं, शुरुआत अपने घर से करो, घर की छत पे लाल रंग का झंडा लगा दो ताकि कोई घर के बाहर से गुजरे तो उसे बताना ना पड़े ये घर किसका है, उसको पता लग जाए ये घर जय श्री राम कहने वाले का है। एक बार जोर से कह दो जय श्री राम। भजा नारियल चढ़ता चूरमा, भजा नारियल चढ़ता चूरमा, भजा नारियल और किस किस को आता चूरमा बनाना? अरे आप हाथ नीचे रखो, ये डिपार्टमेंट इनका है। किस किस को आता है चूरमा बनाना? वाह जी वाह, खुशकिस्मत तो आता है, नहीं तो हमारे चंडीगढ़ नहीं बहू ब्याह की आई, सासू जी ने पूछा तुझे रसोई में क्या क्या आता है, बोले मुझे चक्कर आता है, बोले और बोले पसीना आता है, बोले रोटी, बोले बात तो को नहीं आवे, खुशकिस्मत और चूरमा बनाना आता है। और एक और बता दूं, जो सालासर जाते हैं, जब खुशी में हो तो चूरमा चढ़ाना, और जब इमरजेंसी काम बनवाना हो तो चूरमे का लड्डू बनाकर खिलाना बालाजी महाराज को। आपकी आपका काम दिल्ली की मेट्रो की स्पीड से तेज होगा सा, कोई रोक नहीं सकता। भजा नारियल चढ़ता चूरमा, सिर पे छतर हजार, सिर पे छतर हजार, अभी दोनों हाथ उठा के ताली नहीं बजानी। लहर लहर लहराए रे वो झंडा बजरंग बली, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे वो झंडा बजरंग बली का, मेरी गुजारिश कोई भी भगत बालाजी से पीट करके ना बैठे, प्लीज थोड़े थोड़े टेढ़े हो जाए लेकिन पीट किसी की ना हो, जब पीट कर लोगे तो महाराज को पता नहीं लगेगा कौन बैठा है। और जब आदमी पहली बार सालासर जाता है ना, जब पहली बार जाता है, भाई साहब बुरा तो नहीं मानोगे, एक बार जरा खड़े हो जाओ, जब आदमी पहली बार सालासर जाता है तो ऐसा होता है, और जब चार पांच साल हो जाते हैं, एक बार आओ ना, गोहाना के जलेब के जैसा हो जाता है। अब देख लो कि गोहाना का जलेब जिंदाबाद है साहब, इसको तो मानना पड़ेगा। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के, जो चाहते हैं तरक्की अपने पड़ोसी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए हाथ उठाना, अब देख लो कौन उठवाएगा, उठवा लो हाथ, जरा दोनों हाथ खोल के जरा ताली मिला के, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। क्या बात है, देखो जब आप ऐसे गाओगे ना तो पता क्या होगा, तो छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, लोग इसे राम का दीवाना, छम छम
वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो। तो जैसे ही आए जय श्री राम की बारी, तो बगल वाले का हाथ खड़ा कर देना, तो छम छम जय श्री राम, 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 छम छम नाच देखो वीर हनुमान, छम नाच देखो वीर हनुमान, छम छम नाच देखो वीर हनुमान। देखो, जब तक आंखों से आंखें नहीं मिलेगी ना, तब तक बात नहीं होगी, और जब दिखेंगे नहीं भगवान लगते कैसे हैं, तो बात कैसे बनेगी। किस किस का दरबार नजर आ रहा है, एक बार जोर से कह दो जय श्री राम। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां कीर्तन होता श्री राम का, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, फेसबुक लाइव। वाह वाह वाह, भाई साहब मेरा नाम कन्हैया मित्तल है। ये भाई साहब इतनी दूर से आए, कहां से आए आप? आहा, पानीपत से आए हैं, और फिर भी एक हाथ में मोबाइल लिए हुआ है, जिसके कारण ये ताली नहीं बजा पा रहे, और मोबाइल लिया आपके चक्कर में कि लाइव करूं आप देखें, तो बहुत टाइम हो गया है, या तो घोड़ा आ जाओ या सो जाओ, ताकि इस भाई का भी बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि एक हाथ से पकड़े रखेगा तो ताली कैसे बजाएगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार आप भी कह दो जय श्री राम। अरे आज सबसे बड़ा कलेश पता क्या है, ये पहले घर में कलेश क्यों नहीं होता था, बहू की लड़ाई हुई सासू से, 15 दिन में चिट्ठी गई, 15 दिन में जवाब आया, इतने में कलेश दो बार हो लेता था और निपटारा भी हो लेता था। अब तो 9 बजे कलेश होता है, 9:15 बजे मैसेज जाता रोहतक, और 9:45 बजे पिताजी गोहाना में, बोल बेटी के बात हुई, तो कलेश कहां से खत्म होगा सर। घर जाते हो सारा दिन दुकान से, घर जाके क्या करते हो, घरवाली पूछे क्या खाने, बना ले, क्या खाओगा बना ले। अरे जनाब, घर के बाहर जैसे जूते का स्टैंड लगाते हो ना, इसका भी लगाना शुरू कर दो, नहीं तो एक दिन वो वक्त दूर नहीं है जब बच्चे भी राम राम व्हाट्सएप पे कर दिया करेंगे, और आपको भी आशीर्वाद व्हाट्सएप पे देना पड़ेगा, बच्चे भी फेसबुक पे बात किया करेंगे, क्योंकि जैसा सीखेंगे वैसा करेंगे साहब। ऐसा मत करो, एक बार जोर से जरा दोनों हाथ खोल के जरा ताली बजे राम नाम की, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम, मेरा भी तुम संकट काटो, 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 हरी धारी 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 धारी, दोनों हाथ खोल के, धारी 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 धारी, महिमा अपरम पार धारी जाऊं बाला जी, महिमा अपरम पार धारी जाऊं बाला जी, मैं बारी जाऊं बाला जी, बलहारी जाऊं बाला जी, बारी जाऊं बाला जी, बारी जाऊं बाला जी, जय हो पवन कुमार धारी, जय हो पवन कुमार। किस किस को भजन अच्छा लगा, जरा दोनों हाथ खोलकर प्रेम से, जय हो पवन कुमार, जय हो पवन कुमार, जय हो पवन कुमार, सिया।
पति राम चंद्र की जय, बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। आज श्याम बाबा का भी दरबार लगा है,